हाउ टू कोप अप विद आवर अच्छा, फेलियर। हाउ टू कॉप अप विथ आवर फेलोअर, इस क्वेश्चन इज हाउ टू कॉप अप विथ आवर फेलोअर, उससे हम बाहर कैसे आए, यही था ना। वो जो बार बार जो वो जो थॉट्स आते हैं ना मन में ना, और डिस्ट्राइब कर तो डिस्टर्ब करते हैं, उससे हम बाहर कैसे आए। जब आपको एक ही बात को बार बार कहा जाएगा, पहला दूसरा बार अच्छा लगेगा, तीसरा बार आपको पता है बोर होते जाओगे, चौथा बार आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, पांचवा बार आप डिप्रेशन की तरफ चलोगे, और छठा बार पागलपन का हद पार करने लगोगे। सुनते 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 ऐसा होने लगता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ सुनकर दिमाग थक जाता है। और यहाँ पर अजीम की बात क्या हो रही है कि वो जो सारी बातें याद आ रही है, अच्छे मार्क्स ना आना, अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करना एग्जामिनेशन में, तो एक बार इस तरह अगर नेगेटिव थॉट्स आ गया मन में तो पता है क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करते करते जब अकेले हैं रास्ते में चल रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, उसको सोचेंगे सोचेंगे मन में, यार आप सोचेंगे ना कि उसको ऐसे करेंगे ठीक हो जाएगा, बस मन में कैलकुलेट करेंगे कि ऐसे करेंगे ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ी बार रुक जाएंगे, फिर आप धीरे ऐसे कीजिएगा, अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे फिर ठीक हो जाएगा, करते करते क्या होगा, चलते चलते रुकने लगेंगे रास्ते पर, बात करते करते रुकने लगेंगे, फिर आप बात करें एक दूसरे से और आप मन को डाइवर्ट करेंगे, या तो इस तरह करेंगे, या तो फिर ऐसे ऐसे करेंगे, या तो फिर अचानक झटका लेंगे, ऐसा होता है, झटका भी लेते हैं, मेरे सामने हैं वो लोग, मैं जानता हूँ उन लोग को, ठीक है, लॉस हुआ है ना बिजनेस में ना, वो तो कभी भी हो सकता है ना, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। या इसलिए रो रही कि आपकी शादी हो गई, आप परेशान हो, इनकम नहीं हो रहा, उसको जाके देखो ना जिसकी कभी शादी ही नहीं हुई, या उसको जाके देखो ना जो अपाहिज है, घर वाला तक उसको पसंद नहीं करता है, उस दिन लगेगा ना कि मैं लकी हूँ दुनिया का। एक बात, दूसरी बात, अजीम का बात यह है कि हमारा जो पास्ट याद आना, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। एक बात बताए अजीम, पता है बाहर नहीं निकल पाने की वजह क्या है, पता है हम उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा वजह है, हम निकलना ही नहीं चाह रहे हैं उससे, हम निकलने की कोशिश करें तब तो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, इतिहास गवाह है, जो लोग फेल हुए हैं ना उन लोगों ने इतिहास रचा है। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, CDS में उनको रिजेक्ट किया गया था, तो वो सोच के अगर बैठ जाते तो क्या ये हो पाते हैं। अमिताभ बच्चन का रेडियो के इंटरव्यू देने के लिए गए थे रेडियो में, उसमें उनको रिजेक्ट किया गया था, आप सोच के देखो, ऐसे से बहुत सारे लोग, जो KFC का फाउंडर है, बहुत एज हुआ तब जाके वो उसको कामयाबी मिली, न्यूटन को देख लो, जैक मा को देख लो, तो अगर वो बार बार अगर उसको अपने पास्ट को याद करे तो पास्ट पता है कभी वो आ पाएगा नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी नहीं, आपको करना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा, आपको भुला दो उसको और कुछ नया चीज सोचो, एक बार भुला दोगे ना, और एक बात, एक घंटा के लिए अगर दिमाग से आपका गैप हो गया उसका, देखिएगा ना आपको धीरे धीरे उसके बगैर रहने की आदत पड़ जाएगी, यहाँ तो उसके साथ रहने की आदत पड़ गई हमको, हम छोड़ना ही चाहिए नहीं चाहते हैं उसको, अपने पास्ट को, जो आपका जो लाइफ है, जो इश्यू आ रहे हैं आपका ही नहीं, सबका है, सबका यहाँ पर सबका है, सबका अपना अपना लाइफ में प्रॉब्लम है, जब तक से पता है उससे बाहर नहीं सोचोगे आपको होगा ही नहीं। अब ये सोचना है अजीम को कि अब जो एग्जाम है उसको बढ़िया से कैसे करें। अजीम अगर अपने किसी के चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ता है तब तो वो एग्जाम को अच्छे से लिख सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जो पास्ट जो याद आ रहा है ना, पास्ट उसको जीने नहीं देगा, चेहरे का चार्मिंग छीन लेगा, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, हेयर फॉल बहुत जल्दी हो जाएगा, चेहरे में झुर्रियाँ बहुत जल्दी हो जाएगी, बाल बहुत जल्दी पकने लगेगा, जुबान में लड़खड़ाहट हो जाएगी, फिंगर में शिवरिंग होने लगेगा, अकेलापन से डर लगेगा, बात करते करते पर मन तुरंत उब जाएगा, बहुत जल्दी बोर हो जाएगा किसी भी चीज़ से, मन को फिर सुकून नहीं मिलेगा, फिर भटकने का मन करेगा, फिर पता है ना यहाँ से कभी भी ना ठीक से घर में बैठोगे ना बाहर बैठोगे ये प्रॉब्लम होने लगता है। इफ यू वॉन्ट टू ओवरकम योर शॉर्ट कमिंग्स और इफ यू वॉन्ट टू डेवलप योर सेल्फ, ट्राई टू सी बियॉन्ड, ट्राई टू सी द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। आप इसलिए परेशान हो ना, आप इसलिए परेशान हो क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो चीज़ वाले, पता है एक मुनीबा मजारी है, मैं वीडियो डाल दूंगा आज लिंक, मुनीबा मजारी है,
पाकिस्तान की, शी वॉज अ मैरिड, पता है वो कहीं जा रहे थे हस्बैंड के साथ, अचानक उन्हें बैलेंस जो कार का बैलेंस है ना गड़बड़ा गया, और जब बैलेंस गड़बड़ा गया तो क्या हुआ कि उसका हस्बैंड किस तरह से गाड़ी से निकलने में कामयाब रहा, अपनी वाइफ को छोड़ दिया वहीं पर, अपने अपना जान बचाया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया और गाड़ी खाई में चला गया। उसका दोनों पैर बेकार हो गया, बहुत दिन तक बेड में थी। और एक बार उसको सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे देगा। ये दिमाग में उसका आने लगा और एक समय आया जो उसका हस्बैंड बोला आई नीड डिवोर्स। तो ये बोले कि ठीक है, अगर आप डिवोर्स चाहते हो और इससे अगर खुश हो तो आप खुश रहो लाइफ में, ठीक है मुझे मंजूर है। डिवोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। डर था ना कि कहीं आपको छोड़ के ना चला जाए, और डर को ही मार दो, जाओ तो वो जाना ना, चले जाओ कुछ नहीं हो, चले जाओ लाइफ में, चला गया वो, कहीं छोड़ के ना चला जाए, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं इंटरव्यू में क्या कहते हैं नर्वस ना हो जाऊं। डर है ना, डर को कैरी ही नहीं करना, डर को कैरी करेंगे तो कभी जी नहीं पाएंगे हम लाइफ में। ठीक है मैं आप माँ नहीं बन सकती, ठीक है माँ नहीं बन सकती, चलो इतने सारे अनाथ आ गए मैं उसको गोद ले लूंगी। उसने गोद ले लिया एक बच्चे को, आज पता है कितनी बड़ी आइकन बन गई महिलाओं के लिए, हम सब के लिए। वो भी अगर उसी चिंता में डूबी रहती कि मेरा पैर है ना, मेरा लाइफ मेरा, तो पता है यहाँ तक पहुँच पाती। या डर जो है ना बाबू, डर को किल करो, अगर लाइफ को जीना है ना तो डर को मारो, बहुत मजा आएगा लाइफ में। हम सब में से मैक्सिमम लोग डर को कैरी करते हैं, क्या है फेल होने का डर ना, डर को ही हटा देंगे तो क्या दिक्कत हो रही है, सामना करो डर को, फेल ही होंगे ना, ठीक है एग्जाम देंगे पास होंगे, ठीक है फेल होंगे कोई बात नहीं है, पास नहीं होंगे तो क्या फेल होने कोई रोक सकता है कि हम लोग को, नहीं। मन को डाइवर्ट करो, अपने आप को दूसरी तरफ लेके चलो, वो जगह जहां पर आप जाना चाहते हो, वो जो आपने सपना देखा ना उस सपना की ओर भागो, बहुत अच्छा लगेगा लाइफ। हम सब जो है ना कहीं ना अपने सपनों को दबा रहे हैं, और दबाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हम लोग को बहुत दिक्कत होता है लाइफ में। और जिस दिन पता ये भड़केगा ना, अंदर का स्ट्रेस ना पूरे फैमिली को तबाह कर देता है। इससे पहले कि उस तरह का स्ट्रेस होने लगे, ओवरकम योर शॉर्ट कमिंग्स, उनके बारे में पढ़ो ना जो लोग नाकामयाब रहे हैं कई साल कोशिश करने के बाद और इतिहास रचे हैं। अगर शुरू में ही अगर कामयाबी मिल जाती तो क्या इतिहास रच पाते हो ना। प्रॉब्लम मेरी है बाबू, मुझे ही लड़ना है।